जो टीम सिलेक्शन हुई थी उनको पूरा का टॉप स्पॉन्सर दिया एंड आफ्टर दैट और लोगों को भी ऐड किया। ये कब की बात है? इन 2017 है ना, मैं 2017 में दो वर्ल्ड कप खेला था और उसके बाद ही टॉप का जो भी आया था वो सब ऐड किए थे। तो ये उनको देखना चाहिए, बट उन्होंने क्या लगा कि यार ये तो ऐसे ही है, अरे छोड़ो ना इसको, क्या करना, साइड करो। हैं अब मतलब जो भी अथॉरिटीज हम जो भी ऊपर जो हैं लेवल पे है ना, तो उन्होंने इस तरीके से किया। फिर हम लोगों ने बहुत बोला भी उनको, बट आफ्टर दैट उन्होंने क्या बोला, अरे आप एशियन चैंपियनशिप में टीम में सर मेडल लेके आओ। देन हम बोले अच्छा ठीक है ओके, मे बी हम लोग ठीक है उसका, हम एशियन चैंपियनशिप में नहीं सिलेक्शन हुए, एक पॉइंट हम फोर्थ में रहे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला नहीं, फिर हमने मैंने फ़ोन ही करना छोड़ दिया, यार छोड़ो यार ये सब, हमारा एम है एशियन गेम्स का ट्रायल्स और एशियन गेम्स में जो होगा वो देखा जाएगा, हम ये छोटे मोटे टूर्नामेंट्स को, और हम बोलेंगे भी नहीं इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर हम मांगते हैं ना तो वो हमसे पहले मांग देते हैं, हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं वो हमसे पहले ज़्यादा ओवर, तो हम ये प्रेशर ही है, और हम अगर कुछ बोल देंगे उससे पहले तो बोलेंगे बहाना मारा था, सिलेक्शन तो हुआ नहीं, बहाना पहले शुरू कर दिया है ना। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, और हम लोग क्या है डिपार्टमेंटली हैं बहुत सारे, तो हम लोग ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। और अगर आप चाहें तो इस सवाल का जवाब ऑफ द रिकॉर्ड दे सकते हैं, मेरे सवाल का जवाब, बट जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है साइड में क्या उनको समझ आता है सब एवरीथिंग, वो सात आठ मैं बता रहा हूँ ना, ओलंपियन सत्यदेव प्रसाद है, सत्यदेव ओलंपियन एंड उनके ऊपर सत्यदेव प्रसाद, ओलंपियन सत्यदेव प्रसाद है, नहीं वो ओके प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल अभय जावा हैं, वो भी हमारे साथ आरसीडी में 7-8 साल काम किए हैं है ना, और एएसआई में रहे हैं, आर्चरी में काम करना एक बात है, वो आर्चरी के ही हैं, स्पेशली पर्टिकुलर आर्चरी के हैं, एंड आर्चरी एशियन गेम्स हमारे साथ 2006 में वो मैनेजर बन के आए थे आर्चरी टीम के स्पेशली। तो मतलब ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है ना उनको बोलना, क्योंकि उनको सारी समझ होने के बाद, अभी आज की तारीख में 2.5 लाख का हम लोगों को 2014-15 में सारी हम लोगों को बजट देता था 2.5 लाख का, और आज की तारीख में भी मतलब एशियन गेम्स की टीम जो सिलेक्शन हुई है सोचिए उसको भी 2.5 लाख का ही दिया है अभी भी विद GST इंक्लूडिंग GST, तो सोचिए, और 2.5 लाख में कंप्लीट सेट नहीं आता है, और हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना सेट, वो मैंने मतलब बहुत लोगों ने हम लोग यूज सेट हम लोग परचेस करते हैं, क्या करें मजबूरी है, हमें लेटेस्ट सामान चाहिए, मतलब ज्यादा तो जो स्पॉन्सर्ड नहीं है तो क्या करेंगे, मैं हूँ सुखचैन है जगदीश है, हम 4 आर्चर्स में एक ओनली अतन्नू टॉप में है, बाकी हम तीनों को कुछ नहीं है कोई सपोर्ट, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट ओनली हम लोगों का जो है वो आर्मी देता है, बट आर्मी मतलब है लेकिन एक जो OGQ है या टॉप्स है जो हमें फंडिंग करता है, अगर वो डायरेक्टली हमें फंड करता है तो हम डायरेक्ट बाई करते हैं, लेकिन आर्मी का और वो प्रोसेस है उनका, तो प्रोसेस ये है उन्होंने डीलर को, डीलर फिर वो फिर कब आएगा वो उसको बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लंबा लगभग आप 3 लाख से ऊपर का मानिए नया नया जो भी आता है पूरा कम्प्लीट एक सेट ना, नहीं एरो मतलब एक दर्जन एरो मतलब पूरा कंप्लीट सेट, हम लोग का अगर आप इनवॉइस कहीं भी देखेंगे ना तो आज की तारीख में देख लीजिए 2.5 लाख में कंप्लीट सेट नहीं आता, सिर्फ हैंडल लिम, एक दर्जन एरो और 2 दर्जन टंगस्टन पॉइंट वही आता है बस। तो अभी आप कहां से मैंने, और 2.5 लाख में भी 2 लाख भी मैं बताता हूँ, मैं यूज्ड इक्विपमेंट मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब जो पुराने आर्चर्स का मुझे जो बेस्ट लगा खरीदा, मतलब हम लोग यू ऐसे करके सेट करते हैं उसको, अच्छा वो कितने में मिल जाता है लगभग, जो जैसा आर्चर्स का यूज किया हुआ हम उसी हिसाब से, कितना पुराना है आपका, मैंने दीपिका कुमारी से लिम ली थी और उससे पहले हैंडल किसी और से लिया था ना, तो इस तरीके का मिला के आपने 1.5 लाख रुपए अभी जेब से खर्च किया, नहीं एक्सचेंज कर लेते हैं हम लोग हम किसी को और किसी को दे देते हैं इसको जो जरूरत है और उसको हम लोग, सारी फंडिंग आपकी अपनी जेब की होती है, असेंबल आप खुद ही करते हैं, खुद ही करते हैं सब, तो मतलब एक मैनेजमेंट का है ना ये, तो काम मैनेजमेंट का है, जो भी स्पॉन्सर्ड पेमेंट तो हमारी है, पेमेंट तो हम ASI का जो इक्विपमेंट्स है वो तो हमें सब प्रोवाइड करती है, आर्मी हमें सारा फंडिंग करता है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या लंबा है उनका, जैसे आज लेटेस्ट की तारीख में जो लेटेस्ट धनुष चल रहा है वो तो काफ़ी हम लोगों का डीलरशिप मतलब है ना 1 साल पुराना हो जाता है, अब जो मार्केट में नया चल रहा है जो अच्छा चल रहा है हम कोशिश करते हैं उसको कैसे अरेंज करें, तो वो हम इंटर एक्सचेंज करते हैं, जो हमारे पास चलो ठीक है इसको हम उसको दे दिए उससे हमने ये ले लिया, इस तरीके से हम लोग एक्सचेंज करते हैं, बट हम लोग क्या है ये किसी को इतना बड़ा गेम में हम किसी को वो नहीं कर सकते ना कि और फिर बोलेंगे बहाना ये वो। अच्छा एक बात बताइए, अगर टॉप्स में कोई एथलीट नहीं है तो उसका मतलब यहाँ पे कॉम्पीट करना मुश्किल है, मतलब प्रिपेयर करना, कॉम्पीट करना, प्रिपेयर करना नहीं, आप मेंटली पहली मैं बता एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो आप फिर और क्या चाहते हो, टॉप्स में नहीं हो तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, अगर एक्सपेक्टेशन होती आप टॉप्स एंड एवरीथिंग आप फंडिंग करते ना, आप स्पॉन्सर्ड करते ना, यार यार ये बंदा भी अच्छा है, आप बताइए मेंटली शुरू से आपको ये लगने लगता है कि हम सेकंड, मतलब वही तो कह रहा हूं, हम लोग ऑलरेडी सेकंड स्ट्रेंथ में हैं, सेकंड इनिंग में हैं हम लोग है ना, विश्वास ही है, मैं विश्वास कुमार वैसे लेकिन विश्वास ही रहता हूँ।
विश्वास तो है, क्यों नहीं है, विश्वास है तभी तो लगे हुए हैं 12 साल से कुछ ना कुछ, और उसी के उस पर लड़ लड़ के ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और वो क्या है, वो यही विश्वास है कि कुछ भी हो हमने तो अपना करना है और हमने खेलना है, बस बात करूँ, और बाकी जो सोचने वाले सोच रहे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मैं अगर अच्छा कर रहा हूँ, आज यहाँ पे हूँ, तो वो भी बदौलत है, विश्वास है तभी तो लगा हुआ। आरबी से बेस कहाँ पे है? बेस पुणे में ही हम लोग करते हैं, ऐसा ही है, सब सपोर्ट में रिकर्व में 4 में से 1 बस है, टॉप्स में ओनली 3, बाकी तीनों आर्मी के हैं और ऐसे कोई नहीं है। आर्मी वाले कोई आर्मी से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? आर्मी हमें पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन मैंने बताया ना उसका प्रोसेस क्या है, काफी लंबा है, इक्विपमेंट जो है हम लोग बहुत, आर्मी हमें पूरा सपोर्ट करता है जब तक, लेकिन उसका जो इक्विपमेंट है वो हमारा तब तक न्यू अपडेटेड हो जाता है। और वो है क्या कि वो स्टेप बाय स्टेप होता है बहुत कुछ आर्मी में। आप अपना पुराना लेके आए सेकंड, मतलब हम भाई हमें जरूरत है, हमें जो लेटेस्ट चला हम कहीं ना कहीं जो मैनेज करेंगे, दीपिका कुमारी है या तन्नू है जो चला रहा है, अरे यार भाई दे दे मुझे। कितने लोग हमारी टीम में जो एशियन गेम्स में यूज्ड इक्विपमेंट यूज नहीं, यूज्ड नहीं हम लोग मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं यूज्ड मतलब वही हमने, मैं हकीकत में दीपिका कुमारी की दोनों लिंक चला रहा हूँ, अब दीपिका कुमारी ने कितनी यूज की होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दीपिका कुमारी से ली है। हैंडल भी मैंने एक्सचेंज ही किया था किसी को, वो किसी और आर्चर से, उसको वो सेट नहीं हो रहा था मुझे। नहीं ब्रांड न्यू फर्क नहीं पड़ता है, बट आप मेंटली आप सोचिए ना, मेंटलिटी देखिए ना आप, कि हम इंडियन टीम में खेल रहे हैं बट हम यूज्ड इक्विपमेंट सेट, मतलब हम लोग कंप्लीटली मेंटलिटी एक गेम है, मेंटली आप पहली मार दे रहे हो किसी को, आर्चर को सेकंड इनिंग्स में रख रहे हो, कोई प्रायोरिटी नहीं है उसकी, कोई वो नहीं है। ये वाला इक्विपमेंट आप कितने टाइम से, 1 साल? मैं इसको 2 साल से यूज कर रहा हूं, 3 साल से। उसका क्या काम है? मेरा बोलना है कि जो टॉप्स आता है मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब एक दूसरे को अलग करता है। देखो पहले भी थी टॉप्स, पिछले साल भी थी, ओलंपिक के टाइम में थी, मैं उसमें था है ना, मैं उस टाइम में भी था टॉप्स में, उस टाइम में बहुत कुछ, लेकिन उस टाइम में क्या था, अलग प्रोसीजर था, अभी का अलग प्रोसीजर था। अभी राठौर साहब आए हैं, बहुत अच्छा किया है ना, हर किसी को इक्विपमेंट का, पॉकेट मनी का, एवरीथिंग खुले जितना, मतलब जिसको पूरा सपोर्ट किया। टॉप्स में पहले भी था मैं, मैनेजमेंट वालों चैंपियनशिप में मेडल नहीं ले पाए, इसलिए आप लोगों को नहीं लिया इन्होंने। नहीं नहीं, ये ऊपर वालों का अगर हम बोलेंगे सर मेरा नाम क्यों नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अरे डेफिनेटली आप अभी जो इवेंट आ रहा है उसमें मेडल ले लो, हम डन कर देंगे। अरे आप पहले हम तो ठीक है, लॉजिक ठीक नहीं है वैसे नहीं, लॉजिक ठीक है, लेकिन फिर सबके लिए लॉजिक देखिए ना, आपने कितने स्पॉन्सर्ड किए थे, उनका क्या रिजल्ट था, फाइनली हम एशियन गेम में सिलेक्शन हो, उसके बाद भी आपने क्या किया, ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। मैनेजमेंट का काम है ना, एक बार चलो पहले नहीं लिया, लेकिन अगर टीम में आ गए हैं तो तब तो इंक्लूड कर लो। नहीं टीम में आ गए उनको हर कोई देता है, हर कोई सपोर्ट करता है, लेकिन आप सेकंड इनिंग्स में जो है उनको आप क्या कर रहे हैं, तो ये भेदभाव जो है अगर नहीं आप टीम को, फिर टीम का मोरलिटी वहीं से डाउन हो जाता है जब आप देख रहे हो कि अरे ऐसे हो, आपको हरदम लगता है यार